कि मैं कह रहा हूँ, एक बचकाना हरकत है। जब उसके फादर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल थे, अगर ऐसी कुछ बात थी तो उनके नोटिस में आता। अब जो पब्लिकली वायरल कर रहा है, इसका मतलब कि उनके खिलाफ जो एक्शन हो गया उससे तकलीफ हुई है, उसमें ये बातें कर रहे हैं। उन्हें फिर सामने वाले पे एलिगेशन को, अपना एलिगेशन ख़त्म करने के लिए कहीं कोई बात नहीं। हर तरीके से सर, आज तक कभी हरियाणा की जेलों में नहीं आया, ना कभी कोई दीवार के ऊपर से गया, ना कोई बाहर निकल के इनकाउंटर हुआ, ना कोई सुरंग का मामला हुआ। एक आधा मोबाइल मूवी है हुआ, जब हम इतने बार अलर्ट हैं कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के दफ्तर से ये सब ऑपरेट हो रहा है, हमने उसी दिन 6 घंटे में सब कार्रवाई कर दी, उन्हें अरेस्ट कर दिए, जुडिशियल कस्टडी में दे दिया और उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिए। लेकिन सर, उनका बेटा दावा कर रहा है कई बेटे का, देखिए चलो उसका अब उसके बाद एक लॉ का अपना काम है, वो अपने तरीके से एक्शन होगा। कोई बात वायरल हुई है, इस पे डीजीपी एक्शन लेंगे, रिपोर्ट मेरे पे आएगी तब मैं देखूंगा, होम सेक्रेटरी है बीच में, सब देखेंगे। कोई बात नहीं, हर जगह पहले से मुस्तैदी से कोई दिक्कत हुई नहीं, आज तक कोई घटना ही नहीं है, मैं आपसे वही बता रहा हूँ। कहीं कहीं आपको कोई इनपुट ऐसा आ रहा है तो बताइए, मैं तुरंत कम कार्रवाई कर लेंगे, कोई कुछ भी नहीं होगा, निश्चित रहे कुछ नहीं होने का। देखिए उस पर सब सेक्शन लगा के उस पर केस बना दी, अब कोर्ट है क्या डिसाइड करे। हमने जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, हमारा जो काम था वो कर दिया। अब आगे जब कोई विटनेसेस आएंगे, कोई गवाहियां होंगी, तो जो जेल में कंसर्न आदमी है वो गवाहियां देंगे।